हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जिन्होंने अपना वोकेशनल सब्जेक्ट एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट चूज़ किया है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में व्यू से कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द यूनिट वाइज हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। जैसे कि यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, है ना। हमें पर्सनालिटी को समझाना है कि पर्सनालिटी क्या होता है। डेफिनेटली हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो पहले हम ये समझें कि पर्सनालिटी क्या होता है। देखिए, पर्सनालिटी वर्ड लें या हिंदी में व्यक्तित्व वर्ड लें, दोनों में एक वर्ड छिपा हुआ है, दैट इज़ पर्सन, या हिंदी में बात करें तो व्यक्ति। तो पर्सनालिटी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बताना, दैट इज़ पर्सनालिटी, है ना। वो क्वालिटी जो है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हम उसके लिए नहीं बता रहे हैं। किसी भी पर्सन की या किसी भी व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताना, है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पर्सनैलिटी। अब क्या क्या आ सकता है पर्सनालिटी में, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दैट इज़ कि उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, वो किस तरीके से सोचता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो बहुत नेगेटिव है, ये तो बहुत पॉजिटिव है, अलग अलग लोगों के बारे में हमारी धारणाएं रहती हैं, तो वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है। उसका कम्युनिकेशन का तरीका कैसा है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, वो बहुत ज़्यादा रूड है, हम इस तरीके से बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो। उसका बिहेवियर कैसा है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं पर्सनालिटी का पार्ट है। अब एक इसमें एक और चीज़ आती है कि क्या पर्सनालिटी को हम पर्सनालिटी जो है इनबिल्ट रहती है, यानी बचपन से ही हमारे अंदर रहती है, कि हम उसको सीख कर जो है डेवलप भी कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे सब्जेक्ट का ही नाम लिखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी क्वालिटी हमारे अंदर जो है इनबिल्ट रहती है, हम बचपन से ही वैसे रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी आदतें या ऐसी क्वालिटी जो हमें ऐसा लगता है कि इसे हमें सुधारना चाहिए, देन डेफिनेटली हम उसको सीख कर जो है डेवलप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी बातचीत करने का तरीका और बेहतर करना है, देन डेफिनेटली आपके बातचीत करने के तरीके के लिए क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्लासेस ले सकते हैं, है ना। तो ये है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में बात आ जाती है हमारी बॉडी लैंग्वेज की भी, कि हमारे हाव भाव कैसे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज सक्सेस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स फॉर अचीविंग सक्सेस, ऑल्सो डिस्क्राइब द हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि सक्सेस क्या है, और ऐसे फैक्टर्स आपको डिस्कस करने हैं कि जो सक्सेस, जिससे हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं, एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द हर्डल्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो सक्सेस को अचीव करने के समय जो है हम फेस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे वर्ड हर्डल दिया हुआ है प्रॉब्लम्स के लिए, वहाँ प्रॉब्लम वर्ड भी आ सकता है, लिमिटेशंस भी आ सकती हैं, है ना। तो जो है हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। इसको हम हिंदी में भी रीड कर लेते हैं। सफलता क्या है, सफलता प्राप्त करने के कारकों की व्याख्या कीजिए, सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का भी वर्णन कीजिए, ठीक है। दैट मीन्स सफलता क्या है, सक्सेस क्या है, और हमें डिस्कस करना है ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कारक जो सक्सेस को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं सक्सेस। अब हम बात करें सफलता की, तो आपके मायने में सफलता क्या होती है। हम बोलते हैं, अगर हम अपने आप को बचपन से कैलकुलेट करें या आज भी, हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारा रिजल्ट आता है, तो हम अपने सक्सेस को वैसे मेजर कर लेते हैं, मैं पास हो गया या हो गई, करते हैं कि नहीं, हम उसी को ही मान लेते हैं कि ये मेरी सक्सेस है। डेफिनेटली ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन हम बात करें हमारे
इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में व्हाट डज दिस सक्सेस मीन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना बिल्कुल कि किसी गोल को अचीव कर लेना या जो हमने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव सोचा था उसको अचीव कर लेना, दैट इज सक्सेस। यस, या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन जो हमें थी और उसके लिए हमारी जो एबिलिटी थी उसको प्राप्त करने के लिए, दैट इज ऑल्सो सक्सेस। ओके, तो ये हो गई बात हमारी सफलता की। अब हम आगे बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो सक्सेस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो है आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए आपके गोल की, कि आपका गोल क्या है। वो अगर आपको स्पष्ट है, दैट मीन्स आपका गोल जो है आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको क्लियर है कि मुझे क्या अचीव करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि आपको गोल अचीव करने के लिए किन किन चीज़ों पे काम करना है और उसको समय देना पड़ेगा, दैट मीन्स प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अंदर से मजबूत नहीं हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए किसी गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि ये काम मुझसे जो है हो जाएगा या मैं ये इसे कर लूँगा या कर लूँगी। सो दिस आर द थिंग्स जो हम बोल सकते हैं, दिस आर द फैक्टर्स फॉर अचीविंग द सक्सेस, है ना। हमारे पास क्लियर गोल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी डिसाइड होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, दैट इज सबसे ज़्यादा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास, वो हमारा मजबूत होना चाहिए। हमें रिस्क कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि कोई रिस्क आती है इस बीच में तो हमें ये प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जो भी मेरे पास प्रॉब्लम आएगी सक्सेस अचीव करने में, मैं उससे निपट लूँगा या लूँगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो सक्सेस को अचीव करने में प्रॉब्लम देते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास क्लैरिटी नहीं है तो हम इसके लिए क्या पॉइंट लिख सकते हैं, अनक्लैरिटी रिगार्डिंग द गोल। आप क्लियर ही नहीं है, है ना, कि आपका गोल क्या है। तो डेफिनेटली अगर गोल में ही स्पष्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही आपका पता नहीं है आपको कि क्या अचीव करना है, देन डेफिनेटली जो है आपको प्रॉब्लम जाएगी उस पाथ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या रहता है, जब भी हम हमारी लाइफ में कोई गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मे बी यू कैन बिकम टीचर, जो भी आप डिसाइड करते हैं, और उसके लिए जब आप काम करना चालू करते हैं तो मन में क्या आ जाता है, फियर, डर आ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक हर्डल बन सकता है सक्सेस के लिए, है ना। आपके अंदर कुछ डर आता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि हर्डल्स हैं। आपकी प्रायोरिटी कभी कभी आपको समझ में नहीं आती है, है ना, डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है। आपको पता है कि आपकी कोई एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए आपको काम करना है, पर आप फोकसली काम ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आप यही पॉइंट फैक्टर्स फॉर अचीविंग सक्सेस में लिख सकते हैं कि हमें फोकस रहने की ज़रूरत है, और बाधाएं में ये चीज़ लिख सकते हैं कि आपको क्या, अगर डिस्ट्रैक्शन की संभावना रहती है ना, हम बिल्कुल फोकस होकर काम नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण जो है ये एक प्रॉब्लम है सक्सेस को अचीव करने में। अगर हमारा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट रहता है, हम इधर उधर सोचते हैं, पढ़ने बैठ गए पर हम वहाँ ना रहकर बाकी सभी जगह घूम के आते हैं, होता है क्या ऐसा आपके साथ? सो दैट इज़ द हर्डल्स, या बोल सकते हैं ये जो है लिमिटेशंस हैं या बाधाएं हैं सक्सेस को अचीव करने में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, आपको सिर्फ पॉइंट्स को समझना है और आपकी खुद की लैंग्वेज में जो है आपको उसको लिख कर आना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ें सेम सिमिलर लिखें जैसे बुक में लिखी हुई है या आप बाकी गाइड्स रेफर करते हैं। आपको सिर्फ समझना है और ऑन लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज़ व्हाट इज़ फेलियर, एक्सप्लेन द थिंग्स टू बी लर्न्ड फ्रॉम फेलियर। फेलियर क्या होता है और कौन सी चीज़ें जो हैं आप फेलियर से सीख सकते हैं। ओके, असफलता क्या होती है, असफलता से सीखे जाने वाली बातों को समझाएं।
डेफिनेटली जैसे हमने सक्सेस को डिफाइन किया, सक्सेस को समझा, उसी का ही ऑपोजिट है फेलियर, कि जो आपने सोचा था गोल उसको आप अचीव नहीं कर पाए। यानी हम उसको अगर सेंटेंस फॉर्म में लाने की कोशिश करें, द इनएबिलिटी टू अचीव एनी गोल और ऑब्जेक्टिव, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इनएबिलिटी टू रीच ओवर द एक्सपेक्टेशन, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ तक आप खरे नहीं उतर पाए, तो ये जो है आपकी क्या है, फेलियर। हाँ, फेलियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द जर्नी, कि वहाँ पे आपकी बात ख़त्म हो गई और इसके बाद कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली फेलियर एक पार्ट है आपकी लाइफ का, आपको क्या करना है, उससे सीखना है और जो है आगे फिर से बढ़ना है। तो वही पॉइंट हमारा नेक्स्ट है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप फेलियर से सीख सकते हैं। सबसे पहले एक अपने अंदर जज्बा कि दिस इज़ नॉट द लास्ट, है ना, अभी जर्नी और बाकी है और हम हार्डवर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, तो फेलियर के लिए सबसे पहला आपको वापस से आपके गोल को सोचना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आपने अस्पष्ट थे, जो प्रॉब्लम आ रही थी वही तो फेलियर का कारण भी हो सकती है ना। डेफिनेटली तो आपको देखना है कि आपका गोल जो है, जो सेट किया है, दैट इज़ ट्रू करेक्ट, मतलब ऐसा है कि रियल में आप चाहते हैं, आपके आपके पर्पस, आपके लाइफ के लिए वो वैल्यू रखता है कि नहीं रखता है, है ना। तो सबसे पहले आपको रीडिफाइन करना है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपको पता होना चाहिए गोल डिसाइड कर रहा तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो उस पर भी आप वापस से सोच सकते हैं कि क्या जो मेरी प्रायोरिटी थी उस पर मैंने काम किया है कि नहीं किया है। इसको अगर हम सेंटेंस फॉर्म दें तो वी कैन राइट रीडिफाइनिंग ऑफ प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को वापस से डिफाइन करना। इसके अलावा और क्या आप सीख सकते हैं, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, जो आपकी मिस्टेक्स थी उनसे सीखना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है लाइफ की, कि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया लाइफ में, मतलब कुछ गलती हो गई आपसे और आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट। निराशा नहीं करनी है हमें, निराश नहीं होना है, हमें उस गलती से सीखना है और कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट टाइम हम वो गलती ना करें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी बातें हैं जो हम अपने फेलियर से सीख सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द अदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पावर ऑफ फेथ। ओके, फेथ यानी विश्वास, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस ट्रस्ट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रस्ट को बढ़ा सकते हैं। विश्वास की शक्ति को समझाइए, डेफिनेटली विश्वास में बहुत ताकत होती है, है ना। आपने अगर कुछ सोचा है और बहुत अनरीचेबल टारगेट है, लेकिन आपका विश्वास है कि आप उसको अचीव कर लेंगे, देन डेफिनेटली आप आपकी इच्छा शक्ति से जो है उसको अचीव कर सकते हैं। विश्वास को बढ़ाने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो फेथ, विश्वास में जैसे कि बहुत शक्ति होती है, तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे हम ट्रस्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, है ना। किसी पे विश्वास कर रहे हैं हम, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा। ये किसी हमारा जो सब्जेक्ट है डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। हम इस चीज़ को जो है हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप में भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और अभी हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से ऐसा है चीज़ें हैं जिससे ट्रस्ट जो है बिल्टअप हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो है, हम ये बोल सकते हैं कि हम ट्रस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। यस, एक हमारे पास इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने काम को लेकर, तभी तो कोई हमारे ऊपर विश्वास कर पाएगा। सपोज़ आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई काम देकर गया है कि आपको ये फाइल जो है 2 दिन के बाद कंप्लीट करके रिटर्न करना है, है ना, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने वो टाइमिंगली अगर पहुंचा दी फाइल कंप्लीट करके, तो डेफिनेटली उनका विश्वास बढ़ेगा और वो आपको नेक्स्ट टाइम और चांस देंगे। आपने अगर उस चीज़ को नहीं किया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो ट्रस्ट बिल्डअप भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है ना। यदि हम किसी
के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, वेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन और वेदर विथ एनी पर्सन, है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तभी तो हमें समझ में आएंगे कि सामने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, आपके काम में कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल वे से समझाया कि आपको कोई काम दिया गया है और आप उसमें कंसिस्टेंट ही नहीं है ना, आप कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, है ना, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्टअप नहीं क्रिएट करेगी। आपका एम्प्लॉयर बोल देगा कि नहीं ये काम उसको मत दो, वो काम नहीं कर पाएगा। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ये सब पॉइंट्स जो हैं ज़रूरी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मेन मेन डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक आपको रफली आइडिया मिल जाए कि आपको आपका आंसर किस तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन SWOT एनालिसिस इन डिटेल। SWOT एनालिसिस को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हिंदी में दिया हुआ है SWOT विश्लेषण को विस्तार से समझाइए। ये जो विश्लेषण है, ये जो एनालिसिस है, कंपनीज यूजली अपने लिए करती हैं अपने आप को बेहतर जानने के लिए। दैट इज़ यहाँ पे ये चार जो वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, दैट इज़ SWOT, इसमें एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W दैट इज़ वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ और T का मतलब होता है थ्रेट्स। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी ये एनालिसिस करती है कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब सबसे बेस्ट वो किस में है, है ना, ताकि वो कुछ अचीव करना चाहें तो उनके लिए आसान हो जाए कि हम में ये तो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, है ना। ये आप आपके लिए भी कर सकते हैं कि आप में आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। ठीक है, वीकनेस की बात करें तो उनकी ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी कमजोरी है जिससे कंपनी जो है नीचे की तरफ आ सकती है या उनकी ग्रोथ जो है इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है, वो इस इन पॉइंट्स के ऊपर लिखते हैं। फिर ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी कौन कौन सी संभावना है या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिससे उनकी कंपनी जो है रफ्तार ले सकती है, आगे बढ़ सकती है, है ना। और टी हो गया थ्रेट्स, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिससे कंपनी को अभी निपटना है। ये एक तरीके का विश्लेषण कर लेते हैं अपने आप में ताकि जो है इनको अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने में इनको मदद मिले। स्ट्रेंथ से क्या होगा, अपनी चीज़ें आपको जो पता है कि हमारे अंदर ये बेस्ट है तो आप उसमें और ज़्यादा अपनी हेल्प करके और ज़्यादा उसमें सीख के जो है आप उसको बेस्ट बना सकते हैं, है ना। आपको ये पता है कि आपकी वीकनेस है, जैसे हम खुद पे लेकर आएँ कि हम ये अज्यूम कर लें कि मेरी तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ये मेरी वीकनेस है, मेरे को नॉलेज तो सब है बट लिखते हैं तो एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलते हैं क्योंकि राइटिंग बेकार है। ऐसा होता है आपके साथ, तो ये आपकी वीकनेस है, इसको सुधार सकते हैं क्या अगर हमने जान लिया कि हमारी वीकनेस क्या है? डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो वीकनेस को। तो कंपनी यही विश्लेषण करती है, अपॉर्चुनिटीज़ लिखती हैं और सेम इसी तरीके से थ्रेट्स। अब होता क्या है, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ये डिपेंड होती है आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। दैट मीन्स ये चेंज हो सकती है, हम अपनी स्ट्रेंथ को और बेस्ट कर सकते हैं, वीकनेस में भी हम बेटर हो सकते हैं, हमारी कमजोरी पता है तो हम उसमें कोशिश कर सकते हैं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये कहाँ से आती है, बाहर से। थ्रेट्स, आपके कॉम्पिटिटर कौन है, है ना, हो सकता है आपके साथ वाला बहुत अच्छा बनाता है प्रोडक्ट, आप भी अच्छा बनाते हो लेकिन आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है उसकी कम आती है, तो ये आपके लिए थ्रेट है, है ना, नुकसान की बात है। तो ये आउटर से इफ़ेक्ट होते हैं और स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनली इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये होता है SWOT एनालिसिस जो कि ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गोल सेटिंग। आपको ऐसे एलिमेंट्स या ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो गोल सेट करने में आपकी मदद करते हैं, एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग, एंड गोल सेटिंग किस प्रकार से हो सकती है आपको वो चीज़ भी बताना है। ठीक है, हिंदी में इसको रीड कर लेते हैं एक बार हम। लक्ष्य निर्धारण के आवश्यक तत्व बताइए। लक्ष्य जब हम निर्धारित करते हैं तो उसके क्या क्या तत्व हो सकते हैं, दैट एंड उसकी क्या प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए गोल सेटिंग की और क्या क्या, जब भी आप गोल सेट कर रहे हो सबसे पहले, तो जैसे हमने सक्सेस में बात की थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, है ना, आपको पता है कि आपका ये गोल है, जो भी अचीवमेंट हो सकता है वो,
दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ क्या है, आज आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ तक पहुँचना है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पता है तो आप क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे। ये सेम फीचर्स जो है प्रोसेस वाइज आप प्रोसेस में भी पुट अप कर सकते हैं और एलिमेंट्स में भी। ठीक है, प्लानिंग करना है किसके रिगार्डिंग, आपके गोल सेटिंग के रिक्वायरमेंट की। फॉर एग्जांपल कि आपको आईएएस की एग्ज़ाम देना है या आपको सीए बनना है। अब ये तो आपका गोल हो गया, ठीक है, तो आप ये आपको सीए बनना है तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लानिंग करोगे कि आपके पास अगर ये एग्ज़ाम है, इतना समय है, इतना मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया, दैट मीन्स आपकी एग्जामिनेशन से लेकर आपकी पढ़ाई, रहने करने का जो भी खर्चा है, ये सब इतना फाइनेंशियल वे पे इतना खर्चा है, ये सब प्लान आउट करोगे आप। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई कि ये सब चीज़ें आपको लगने वाली हैं और कब जाके आपका दौर ख़त्म होगा, जब आप सीए बन जाओगे, है ना। फिर उसके बाद आपको ये समझ में आ गई कि आपको कहाँ एडमिशन करवाना है और आपको कौन सी बुक्स लगेंगी, तो अब क्या करेंगे आप प्लानिंग के बाद, उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे, है ना, उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, वो जो भी आपको चीज़ें लगेंगी कि किस तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, आप जब गोल सेट कर रहे हो तब आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसकी टाइमलाइन क्या है, दैट मीन्स आपका गोल कब ख़त्म होगा, है ना। नहीं तो आपको ये चीज़ ही नहीं पता है, गोल ऐसे ही सोच लिया आपने, डॉक्टर बनेंगे, ना पढ़ाई कर रहे हैं ना उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, है ना, कब या पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है कब एग्ज़ाम दे देंगे, जब पूरी हो जाएगी पढ़ाई पूरी हो जाएगी दैट मीन्स तो फिर एग्ज़ाम दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं करना है। आपके पास एक प्रॉपर डेडलाइन होनी चाहिए कि आप गोल सेट कर रहे हैं तो ये जो है मेरा अचीवमेंट तब तक मुझे हासिल हो जाएगा, है ना। जब हम कुछ बड़ा डिसाइड करते हैं तो उस बीच में हम बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स भी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट तत्व हैं जो गोल सेट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। फिर जब आप गोल सेट करते हैं तो आपको कंट्रोल भी होना चाहिए आपकी एक्टिविटीज़ की तरफ, दैट कि ये डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सो दिस आर द थिंग्स विच आर द एलिमेंट्स ऑफ गोल सेटिंग। ठीक है, तो ये हैं हमारे पास क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिट फर्स्ट। और अब जो है अब हम आते हैं यूनिट सेकेंड पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला था गोल में सबसे पहले आप अचीव करने सॉरी सेट करने के लिए आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना है तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पास एक्चुअल में काम कौन कौन से हैं। जैसे कि इसमें हिंदी में दिया हुआ है समय प्रबंधन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। आपको टाइम मैनेजमेंट को समझाना है, बहुत आसान है। टाइम और मैनेजमेंट जो है दो शब्दों से बना हुआ है, दैट इज़ टाइम एंड मैनेजमेंट। उसको समझने के लिए हमें क्या समझना ज़रूरी है दोस्तों, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट आपको ध्यान हो तो आपने 11th 12th में मैनेजमेंट पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो बहुत आसान है, हम अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनेज करके ही तो चलते हैं, है ना, कि ये काम है उसके बाद ये काम है, तो आप उसको जो डिसाइड करते हो इसके बाद ये काम है वो काम है, तो वो क्या है, एक तरीके का मैनेजमेंट ही तो है। तो मैनेजमेंट कहाँ से चालू होता है, फ्रॉम प्लानिंग। प्लानिंग करते हैं आप किसी चीज़ की, उसके बाद आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हम किसी कंपनी फॉर्म की बात करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो आपको सपोज़ कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको टाइमिंगली मैनेज करके वो प्रोडक्ट तब तक बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, है ना, और कितना फाइनेंस आएगा, कॉस्टिंग कितनी आएगी, लेबर्स का चार्जेस वगैरह सब आप इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ कहाँ से आपको बुलाना है, ये तो आपने प्लानिंग में डिसाइड कर लिया था। अब उसको आप अरेंज करेंगे, है ना, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे, और फिर धीरे धीरे उन चीज़ों को क्या करेंगे, वो जैसे ही आ गई आपके पास, ऑर्गेनाइज कर अरेंज कर लिया, देन यू विल ऑर्गेनाइज द थिंग्स, सेटल हो गई, अब उन पे जो है आप काम करना चालू करेंगे। ठीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि
अगर आपने किसी चीज़ को टाइमिंगली नहीं किया देन डेफिनेटली द ऑर्गेनाइजेशनल विल गो टू द एंड ऑफ फेलियर्स। और इसके लिए आपको डेडलाइन तक पहुंचना है और आपके पास काम बहुत सारा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, डेलीगेशन देना चालू करेंगे। डेलीगेशन दैट मीन्स आप लोगों को काम देना चालू करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली आप सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना चालू करेंगे कि आप ये काम करिए, आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आप ये करिए, तो जो है आपका टाइमिंगली वो काम हो सकेगा। और आप ये कर सकते हैं कि कंट्रोलिंग का काम कर सकते हैं, सुपरवाइजिंग ओवर द एक्टिविटीज, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेन इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड द स्ट्रेटजीज टू डील विद स्ट्रेस। यस, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तनाव से आप क्या समझते हैं, तनाव होने के कारण पड़ने वाले प्रभाव तथा तनाव को हल करने की रणनीतियों को विस्तार से समझाइए। सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या है, तो ऐसे फीलिंग वाइज तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा कभी बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस फील होती है, दैट इज़ अ स्ट्रेस। पर हमें फील थोड़ी करवाना है, हमें तो एग्ज़ाम में लिखना है। तो हम वर्डिंग्स में अगर उसको कोशिश करें कि स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस एक इमोशन है या एक फीलिंग है ना, जिसके कारण जो है या हम बोल सकते हैं इट इज़ अ नेगेटिव फीलिंग, है ना, एक बर्डन है इमोशनली जो आपके ऊपर पुट होता है ना, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप क्या क्या फेस करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, है ना, ये चीज़ें होती हैं कि नहीं, आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हैं, स्ट्रेस को हम यही बोलते हैं, टेंशन में है, और वो चीज़ हो रही है और इस बीच में कुछ और आ जाता है तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या नेगेटिव रहते हैं। सो दिस मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रेस। आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है दैट मीन्स आपको थोड़ा सा तनाव है। अब डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण क्या क्या हो सकता है। डेफिनेटली स्ट्रेस के कारण जो है आपकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा डिट्रॉयड हो सकती है, ख़राब हो सकती है। सबसे पहले हेल्थ वाइज हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हो सकती हैं, दैट इज़ BP हो गया एंड मैनी ऑफ द थिंग्स, है ना। सो ये इफ़ेक्ट हैं हमारे स्ट्रेस के। हम नेगेटिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, हम फोकसली काम नहीं कर पाएंगे, या इसके बदले में अगर आपको पॉइंट चेंज करना हो तो आप, हमने पहले डिस्कस किया था फोकस को ना करना, यानी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास, है ना, हम लगातार जो है कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाएंगे अपने काम में, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्ट्रेस से इफ़ेक्ट होती हैं। अगर हम स्ट्रेस या तनाव फील कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होंगी। अब स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, बिना तनाव के लाइफ भी नहीं चलती है, उससे हमें डील कैसे करना है ना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस होना दैट इज़ ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इससे डील कैसे होना है हमें, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमारी हैबिट्स होना चाहिए एक्चुअली, जिससे हमारे पास स्ट्रेस आएगा ही नहीं, है ना। सब आपको भी पता है ये चीज़ कि आपको मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, सबसे पहले तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जा रही है आपके, ये हो गया आपको रेगुलर हैबिट, है ना, सडन आपको कोई तनाव है, आप कुछ भारी फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको रिलैक्स होना है। रिलैक्स कैसे होंगे, टेक अ डीप ब्रीथ, है ना, और रिलैक्स हो जाइए। जिस भी कारण से आपको टेंशन हुआ है, ये है कि ये समय कट जाएगा, है ना। आप अगर ऐसी मेंटलिटी रखेंगे, आपने एक मूवी देखी होगी 3 Idiots, जिसमें वो क्या बोलता है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, बस ऐसा ही आपको सोचना है कि सब ठीक हो जाएगा। तो आप अगर खुद से पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेंगे देन डेफिनेटली आप स्ट्रेस से बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक्चुअली डिस्कस तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, पर ये क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों कि ये हमारी पर्सनल लाइफ से रियली इफ़ेक्ट होते हैं, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन हाउ अ सीवी इज कंस्ट्रक्टेड। सीवी कैसे बनाया जाता है, या फिर हिंदी में देखें सीवी का निर्माण किस तरीके से किया जाता है समझाएं। अब सीवी वर्ड जो है दैट इज करिकुलम विटे, क्या होता है ये? आपने रिज्यूम देखा है, आपको कहीं पे बोला होगा कि आप कहीं जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया हो, चाहे छोटी मोटी जॉब ही हो, तो वो आपको ऐसा बोलते हैं कि आपका रिज्यूम लेकर आइए, है ना। क्या होता है रिज्यूम में? आपकी डिटेल्स रहती हैं। तो सीवी भी सिमिलर टू रिज्यूम रहता है, लेकिन रिज्यूम शॉर्ट में रहता है, समरी फॉर्म में रहता है। आपका जो सीवी रहता है वो डिटेल्ड में रहता है। तो सीवी किस तरीके से बनाया जाता है? आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, दैट मीन्स योर नेम, है ना, आप क्या करते हैं, या आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, लाइकिंग्स क्या हैं, या आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपने क्या क्या अचीव किया है, वो सब चीज़ें जो हैं मैंशनड रहती है इन द सीवी। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी रहता है? ये इसलिए ज़रूरी रहता है ताकि सामने वाला जिसको आप सीवी दे रहे हैं वो ये समझ पाए कि आप किस तरीके के इंसान हैं। पर्टिकुलरली आप ये इंटरव्यू के समय सबमिट करते हैं आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए, तो डेफिनेटली उनको ये समझ में आना चाहिए कि आप ऐसे पर्सन हैं जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सीवी इस तरीके से बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट इन डिटेल अबाउट ग्रुप डिस्कशन के बारे में आपको लिखना है, समूह चर्चा के बारे में विस्तार से लिखिए। अब क्या होता है ग्रुप डिस्कशन? ये एक पार्ट है दोस्तों, आपने अगर कंपटीशन एग्ज़ाम फेस की हो तो उसमें यूजुअली जब आप कोई एग्ज़ाम रिटर्न निकालते हैं उसके बाद क्या होता है, जैसे आपके रिटर्न में हो सकता है दो फेस हों, तीन फेस हों, प्री मेंस, उसके बाद क्या होता है, आपने अगर किसी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पे होता है ग्रुप डिस्कशन। क्या करते हैं ऐसे लोग जिन्होंने अपना रिटर्न क्लियर किया हुआ रहता है, उन सभी को बुलाया जाता है, उनका ग्रुप बनाया जाता है और उनको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे जो है वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, है ना। अब आप साथ में बैठे हैं और आपके आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, है ना। अब कोई आपके सामने दो तीन जने ऐसे बैठे रहते हैं जो आपको जज करते हैं कि आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपको रियली उस टॉपिक का नॉलेज है कि नहीं। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन, कि ग्रुप में बैठ के आइडियाज़ का एक्सचेंज करना, है ना। और ये यूजली जो है एट द टाइम ऑफ योर कंपनी में जब आपका रिक्रूटमेंट होता है तब जो है ये चीज़ें ग्रुप डिस्कशन जो है उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, ये जो जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में निखार लाते हैं अगर आप इनमें अच्छे हैं तो, है ना। सीवी अच्छा बना है, आपकी क्वालिटी दिख रही है उसमें, ग्रुप डिस्कशन में आपका कॉन्फिडेंस लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, देन सो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करता है, है ना। यस, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इंटरव्यू एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। आपको इंटरव्यू के बारे में बताना है और उसका क्या उद्देश्य रहता है या क्या ऑब्जेक्टिव रहता है उसके बारे में बताना है। साक्षरता की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके उद्देश्यों को समझाएं। अब क्या होता है इंटरव्यू, जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिटन एग्ज़ाम होती है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, एंड द लास्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है, कोई जॉब वैकेंसी निकली थी उसके लिए रिक्रूटमेंट होगा, तो फाइनल स्टेज जो आपको क्रॉस करनी है दैट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू वन ऑन वन कन्वर्सेशन होता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन में हमने देख लिया कि एक ग्रुप बना हुआ रहता है, वहाँ पे आपको टॉपिक दिया जाता है। इंटरव्यू में क्या हुआ रहता है, आप एक पर्सन रहते हैं, वन ऑन वन इंटरव्यू, सामने वाला आपसे प्रश्न पूछता है और उसके आप जवाब देते हो, है ना, दैट इज़ इंटरव्यू। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, इट वुड बी रिलेटेड टू यू, आपसे रिलेटेड होंगे, आपके नॉलेज को चेक कर सकते हैं, है ना, आपके लॉजिक सेंस को चेक कर सकते हैं, है ना, आप में पेशेंस लेवल है कि नहीं, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो
पूछ सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू का उद्देश्य यही रहता है कि वो एक प्रकार से आपको चेक करते हैं कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लायक हैं कि नहीं, काम करने के लायक हैं कि नहीं। नहीं तो ऐसे पर्सन तो नहीं है कि जिनको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लाइंट बेस्ड ही है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो वो ये सब चीज़ें जो हैं इंटरव्यू में चेक करते हैं। दैट मीन्स इन द इंटरव्यू देर आर टू पार्टीज, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। और आपको ये चीज़ अगर लिखने नहीं आए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देर आर टू पार्टीज दैट इज एम्प्लॉयर एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई। ऐसा पर्सन बैठा हुआ रहता है जो एम्प्लॉई बन सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, जो बनने वाला है। और अगर आप ये स्टेज क्लियर कर लेते हैं देन द जॉब इज योर्स। तो ये है हमारा इंटरव्यू और उसके उद्देश्य। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज विद द यूनिट थर्ड, इकाई तीन, राइट अबाउट हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, कठिन कौशल और सॉफ्ट कौशल के बारे में लिखिए। हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? दोस्तों हार्ड स्किल्स ऐसी होती हैं, हमारा ऐसा कौशल जिनको हम सीख भी सकते हैं, है ना, वो हमारी क्वालिटी रहती है, हमको आती है और नहीं आती है तो उसको हम सीख भी सकते हैं। जैसे कि आपको लिखना बहुत अच्छा आता है, पढ़ना बहुत अच्छा आता है, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, और नहीं भी है तो हम इसको सीख सकते हैं, दैट इज़ अवर हार्ड स्किल्स, बहुत आसान है। सॉफ्ट स्किल्स ये आपके बारे में डिफाइन करती है, सॉफ्ट स्किल्स आपकी इंटरनल क्वालिटीज़ क्या हैं उसके बारे में बताती है, है ना। जैसे कि दैट पर्सन इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, हम ऐसा बोलते हैं कि ये बंदा या ये बंदी जो है बहुत अच्छे से बोलती है, बहुत पोलाइटली बोलती है, तो ये उसकी सॉफ्ट स्किल है, है ना। ये बंदा जो है बहुत ईमानदार है तो वो उसकी सॉफ्ट स्किल है, या वो उसकी वो क्वालिटी है जो इंटरनली उससे अटैच्ड है, है ना। तो ये डिफरेंस है, हार्ड स्किल्स को आप सीख सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स ऑलरेडी आप में इनबिल्ट है। हाँ ये है, हम अपने रियलाइजेशन से ये है कि हम उसको और बेहतर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, राइट अबाउट ओवरकमिंग स्टेज फ्राइट, क्या होता है ये, स्टेज के डर पर काबू पाने के बारे में लिखें। यस, स्टेज फियर या जिसको हम स्टेज फ्राइट भी बोलते हैं, ये क्या होता है, जब हम स्टेज पर गए हैं किसी प्रेजेंटेशन के लिए या कुछ बोलने के लिए, और उस समय जो हमें डर लगता है उसे हम कहते हैं स्टेज फियर, है ना। तो उसको काबू करने के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमें डर कब नहीं लगेगा किसी चीज़ के प्रति, जब हमें उसके बारे में सब कुछ पता हो, है ना। आप स्टेज पे जा रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप कुछ बोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा पता होना चाहिए, है ना। आपको टॉपिक के बारे में पूरा पता है, फिर सेकंड ये रहेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें, है ना। आपको अगर टॉपिक पता है तो आप बहुत प्रैक्टिस कर स्टेज पे जाएं, है ना, ताकि जो है आपको फुल नॉलेज है उन चीज़ों के बारे में, तो आपको जो है डर नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है इन जनरल कि हम स्टेज पे हैं और हमारे सामने बहुत वास्ट पब्लिक है तो हमें डर लगता है ना, चीज़ों को प्रेजेंट करने में। तो हम किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं या उस पर काबू पा सकते हैं, वो ऐसा कि जब भी आप जा रहे हैं स्टेज पे, आपको उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज हो उस टॉपिक का, आपकी ऑडियंस कौन सी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। जो टॉपिक है उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है ताकि आपको डर ही नहीं लगे, नॉलेज है अगर हमारे पास बोलने का तो हमें डर नहीं लगता है। फिर और क्या हो सकता है, आप स्टेज पे हैं तो आप प्रॉपरली ग्रीट करिए, ग्रीटिंग्स दीजिए आपके ऑडियंस को, दैट इज़ जो भी समय है, मे बी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी समय पे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या हो सकता है आपके सीनियर्स हों, हो सकता है जूनियर्स हों, तो उस तरीके से उनसे बात करिए, थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, लाइट एकदम से आपके टॉपिक को स्टार्ट मत करिए, उस पर आराम से पहले थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस करके, और फिर जो है आपके टॉपिक पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्टेज पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
दैट इज थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग नेचर टाइप्स एंड क्वेश्चन ऑफ बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा का अर्थ, प्रकृति, प्रकार तथा सावधानियों को समझाएं। स्टूडेंट्स, ये अगेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फैक्टर बोल सकते हैं बॉडी लैंग्वेज। आपको याद हो तो हमने यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस किया है कि पर्सनालिटी क्या होती है, और उसमें मैंने आपको ये बोला था कि हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये भी पर्सनालिटी का पार्ट है। तो यहाँ पर आपसे वही चीज़ बोल दिया है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। इसको समझ लेते हैं हम शॉर्ट में। बॉडी लैंग्वेज यानी जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे जो बॉडी है वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा रहता है ना कि हम कुछ नहीं बोलते हैं तो भी सामने वाला समझ जाता है कि इसका मूड ख़राब है या इसका मूड बहुत अच्छा है। कैसे पता पड़ता है? बाय वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज, है ना। आप गुस्से में होंगे तो डेफिनेटली आप मुंह फुला के बैठ जाएंगे, है ना। आपको कुछ किसी चीज़ के प्रति डाउट होता है देन डेफिनेटली आपके आईब्रोज जो हैं ऐसा आप क्वेश्चन मार्क करके पूछेंगे, तो आप ना भी बोलेंगे तो भी सामने वाला समझ जाएगा, दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज, है ना। जैसे हाँ, आपके दूर से कोई आपका सीनियर गुजर रहा है या आपका कोई टीचर गुजर रहा है और आप उनको विश करना चाहते हैं, दूरी इतनी है कि आपकी वॉइस नहीं पहुँचेगी, तो आप थोड़ा सा झुक जाते हैं कि ये बताने के लिए कि आप उनको विश कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपके बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। दैट मीन्स हमारे बॉडी मूवमेंट्स कैसे हैं, हमारे गेस्चर्स जिसको बोलते हैं हाव भाव कैसे हैं, दैट इज़ द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अलग अलग तरीके से बहुत सारे टाइप की बॉडी लैंग्वेज होती है, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया बॉडी मूवमेंट्स, गेस्चर्स, पोस्चर आपका कैसा है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, डेफिनेटली देर इज़ द मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स जब मैं आपको समझा रही हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर वो प्रॉपर है तो डेफिनेटली वो चीज़ आप तक पहुँचेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर चर्चा। अब हम बात करते हैं राइट अबाउट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए बात करें हम, पेशेवर प्रस्तुतिकरण के बारे में लिखी है। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके दो मतलब निकल सकते हैं स्टूडेंट्स। पहली बात तो एक तो आप किसी स्टेज पे कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं प्रोफेशनली उसके बारे में, या हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है वर्चुअली, दैट इज़ ऑन द PPT, और उस पर हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम लिखें। तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं अगर हम, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा टॉपिक क्या है और हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जैसे हम किसी स्कूल में अगर पढ़ाने जा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो हमें ये पता है हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, बच्चे हैं, तो हमें उस तरीके का कंटेंट उसमें पुटअप करना पड़ेगा, है ना। अगर हमें ये पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस जिनके सामने हमें प्रेजेंटेशन देना है वो जो हैं बड़े लोग हैं, या किसी कंपनी में आपको प्रेजेंटेशन देने जाना है, तो आपका कंटेंट जो है आप उस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, टॉपिक क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। फिर क्या करेंगे आपकी जो प्रेजेंटेशन को है बहुत सिंपल बनाएंगे, उसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दैट मीन्स कभी हम ऐसा देखते हैं कि हमने एक टॉपिक निकाला फिर बीच में कहीं से दूसरे टॉपिक पे आ गए, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की क्वालिटी नहीं होती है। आपको क्या करना है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में, उसको बिल्कुल एज सिंपल रखना है, उसकी लैंग्वेज सिंपल रखना है, सो दैट इट कुड बी अंडरस्टूड। यानी इसमें से हमें तीन पॉइंट मिल गए, सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, है ना, सिमेंटिक लैंग्वेज होना चाहिए। दैट मीन्स हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस समझती है हिंदी और हम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इंग्लिश में, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो सेमेंटिक लैंग्वेज, दैट मीन्स सिमिलर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो उसी लैंग्वेज में समझ रहे हैं जिसमें हमने उसमें वार्तालाप कर रहे हैं, उनको भी वही लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो दिस आर द पार्ट्स ऑफ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, हमारा इस तरीके से मेनली जो है इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम IT
सेक्टर भी बोलते हैं, हमारा आईटी सेक्टर बहुत लार्ज है। सूचना तथा संचार टेक्निकी के बारे में विस्तार से समझाएं। ठीक है, क्या होता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के समय में बात करें और स्पेशली हम कोविड के समय के बाद की बात करें तो हमारा आईटी सेक्टर और भी बढ़ गया है। जैसे कि हमने देखा है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ गया है, आप दिन भर सोशल मीडिया पे वॉच विजिट करते हो, है ना, और इजी भी हो गया है। ये किस कारण से हुआ है? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप आपके घर पर बैठे बैठे आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये किसका जादू है? दैट इज़ द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यही है जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है, जो आपसे कम्युनिकेट करती है, किस फॉर्म में, इन द विजुअल फॉर्म, है ना, वर्चुअल फॉर्म में आपसे बात करती है, दैट इज़ द आईटी टेक्नोलॉजी, या फिर हम जिसको इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। दैट मीन्स आप ऑनलाइन कनेक्ट हो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड में आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो। ये बता दिया मैंने आपको समरी वे में। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज एन ईमेल एंड एक्सप्लेन द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग एन ईमेल। ईमेल क्या होता है और ईमेल लिखते समय ध्यान रखे जाने वाली बातों को समझाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज के समय में तो हमने देखा है कि हमें किसी से बात करना है तो व्हाट्सएप और बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। ईमेल एक पुराना मीडियम है, ऑनलाइन या नेट के थ्रू अपनी बातों को एक्सचेंज करने के लिए, है ना। ईमेल का फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप इलेक्ट्रॉनिक वे में या नेट की मदद से जो है ना इलेक्ट्रिकली आप जो है किसी को मैसेज भेज सकते हैं। यूजली आज भी ईमेल का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितने भी फॉर्मल जो भी लेटर्स भेजे जाते हैं वो आपको मेल के थ्रू ही रिसीव होते हैं, या आप भी किसी को सेंड करेंगे तो वो मेल के थ्रू ही करेंगे, है ना। एक इसकी पर्टिकुलरली आपने अगर अकाउंट बनाया है तो आपको एक मेल आईडी रिसीव होती है। जैसे हम बोलते हैं ये है मेरी जीमेल आईडी, यूजली आप आपके फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप पुटअप करते होंगे आपकी मेल आईडी। जैसे कि हम इस चैनल की बात कर लें तो commerceorizon02@gmail.com, ये इस चैनल की आईडी है जिस पे आप आपकी क्वेरीज को जो है शेयर करते हैं, है ना, जो भी आपकी डाउट्स होती हैं आप उस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का जिसमें जो है फ़ोन नंबर की विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी को कहीं पे भी मेल भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास उनका वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, है ना। अब ये मेल लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मेल लिखते समय आपको बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका मेल जो है सबसे पहले तो प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज यानी छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने लेटर ही लिख दिया सबको सबसे, है ना। तो आपका जो पैटर्न रहेगा मेल लिखने का उसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मेंशन करनी है। सबसे पहले टू लिखकर जो जिनको भी आप लेटर लिख रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, दैट मीन्स उनकी मेल आईडी वगैरह जो आ जाएगी। फिर आपको उनको प्रॉपर ग्रीटिंग्स करना है, आपके सीनियर्स हैं तो आप उनको रिस्पेक्टेड वे में लिखना चाहें, आपके फ्रेंड्स हैं तो हेलो करके जो भी आप ग्रीटिंग्स देना चाहें वो। उसमें एक पॉइंट रहता है सब्जेक्ट, आपका मेन उद्देश्य क्या है वो मेल लिखने का, वो आप उसमें मेंशन करेंगे। यदि आप किसी को कुछ इनविटेशन देना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में इनविटेशन वर्ड लिखेंगे, है ना। दैट मीन्स शॉर्ट में आप सामने वाले को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने बाकी की बातें जो लिखी हैं वो किससे रिलेटेड है, है ना, रफली आइडिया दे देंगे। और उसके बाद दैट इज़ द बॉडी ऑफ दैट लेटर, उसके बाद उसमें आपको और जितनी भी चीज़ें मेंशन करना है वो लिखेंगे। फिर अपना थैंकफुल का रिगार्ड्स जो है वो पुटअप करेंगे सिंसियरली, योर सिंसियरली करके, और आप आपका सिग्नेचर पुटअप करेंगे। इस तरीके से होता है आपका फॉर्मल ईमेल का प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तो हो गए 6 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आपके पास आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
उसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। दैट इज राइट अबाउट नेट एटिकेट्स, नेट एटिकेट्स के बारे में लिखिए। आपने एक वर्ड सुना होगा, अगर हम एन को हटा दें इस पर्टिकुलरली क्वेश्चन में से तो बचता है आपके पास एटिकेट। आपके मैनर्स क्या हैं उसे हम बोलते हैं एटिकेट्स। यहाँ पे तो हमारा नेट एटिकेट्स हमें डिस्कस करना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए एटिकेट्स। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, मैनर। आप कितने वेल बिहेव्ड हैं किसी प्लेस पे, वो शो उस हाव भाव को बोलते हैं एटिकेट्स। हम बोलते हैं इनके एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं। आपको अगर ध्यान हो, स्कूलिंग में आपका जब रिपोर्ट कार्ड बनता है तो उसमें एक कॉलम इसका भी रहता है एटिकेट्स का, और उसमें आपको या तो स्टार ग्रेडिंग होती है, 3 स्टार मिल जाते हैं तो अच्छा, 2 तो थोड़ा कम और 1 तो बिल्कुल कम, कि आप वेल मैनर्ड हैं कि नहीं, आप सबकी बातें सुनते हैं कि नहीं, कि अपनी चलाते हैं इस तरीके से। तो वैसे ही नेट एटिकेट्स क्या हैं कि आप जब नेट की दुनिया में हैं, है ना, तो वहाँ पे आप रिस्पेक्टफुल है कि नहीं, आपका कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, आप नेट का सॉरी जो ऑनलाइन कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल कि आप किसी से सोशल मीडिया पे चैट कर रहे हैं, है ना, तो आपको रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, या मेल किसी को आप मेल भेज रहे हैं तो आपको रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए, ये आपके एटिकेट्स में आता है, है ना। जो नेट एटिकेट्स है वो ऑनलाइन, यानी आप पूरे नेट से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपके जो हाव भाव हैं, मैनर्स हैं, वो नेट एटिकेट्स कहलाएंगे। और आपके पास अगर क्वेश्चन एटिकेट्स आ गया तो वो भी आपको पता है, है ना, कि आपके इंटरनेट के अलावा जो आपका बिहेवियर है वो रिस्पेक्टफुल है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं नेट एटिकेट्स कहलाती हैं, कि इंटरनेट पे आप रिस्पेक्टफुल हैं कि नहीं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं कि नहीं। जैसे जब आप कोई जीमेल चला रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं, है ना, उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हुए हैं कि ये वीडियोस किड्स के लिए हैं, तो आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं आपके नेट एटिकेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे ख़त्म होती है यूनिट 3। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुशी की बात यह है कि हमारे पास 3 ही यूनिट्स हैं। यस, जिनके पास यूनिट्स अगर 5 में किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है उसको 5 यूनिट्स में डिवाइड किया, लेकिन टॉपिक्स ऑलमोस्ट यही होंगे, बहुत ही ऐसे कम क्वेश्चंस होंगे जो इसके इन टॉपिक्स के अलावा कुछ होंगे, है ना। तो कोई यूनिवर्सिटी में अगर 5 यूनिट भी हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, है ना। ऑलमोस्ट यही जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर हम पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उनमें यही सब चीज़ें आती हैं। सो विद दिस मैं आपको विश करूँगी ऑल द बेस्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए, और यदि आपको कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन के प्रति, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम वहाँ पे उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो विद दिस थैंक यू।